ये देखिए गाइस, यम्मी टेस्टी आलू और चावल के आटे के क्रिस्पी करारे हमारे स्नैक्स। तो देखिए आज हम यही बनाने जा रहे हैं, कटलेट, आलू और चावल के आटे के कटलेट। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस ये देखिए, एक कटोरी हमने ले लिया है चावल का आटा, एक बाउल, तो हम इसी से बनाएंगे आज आलू के और चावल के आटे के कटलेट। तो देख सकते हैं गाइस, ये हमने अपना पैन रख लिया है, इस पर 3 से 4 स्पून ऑयल भी डाल दिया है, तो इसको होने देते हैं। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे अजवाइन 1 स्पून और इसको हम पलकने देंगे, और इसमें हम डाल देंगे पानी। देखिए पानी उतना ही लेना है जितना हम चावल का आटा लेंगे। और इसमें अब हम ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, हींग, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, नमक टेस्ट के अनुसार, तो ये सारे डाल लेंगे। उसके बाद में इसको हम बॉयल कर लेंगे, और इसमें अब हम डालेंगे चावल का आटा अपना कटोरी से। तो देखिए पूरी तरह से डाल दिया है, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए, आपको ड्राई ड्राई लग रहा होगा मगर अभी ड्राई नहीं है, इसमें हम आलू भी ऐड करेंगे। तो चलिए इसको हम ढक करके रख देते हैं 2 मिनट के लिए। तो ये देखिए 2 मिनट हो चुका है, तो आप इसको हम पहले मसलने की जरूर देखेंगे, मसल कर देखेंगे कि हमारा किस हिसाब से मसल रहा है और उसमें कितना हमारा आलू लग जाएगा। तो पहले हम डाल देंगे धनिया पत्ता, लाल मिर्च, अब हरी मिर्च कटी हुई अपने हिसाब से। तो अब इसको हम मसल मसल कर देख लेंगे, ठीक है। तो जिस हिसाब से हमें आलू लगेगा उसी हिसाब से हम आलू ऐड करेंगे। ये सारे प्रोसेस हमको गर्म में ही करने हैं। तो ये देखिए डो बन गया है, तो इसमें आलू थोड़ा सा ही लगेगा। तो हमने ये 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं, जो कि बिल्कुल बारीक बारीक तोड़ लेंगे अच्छे से। तोड़ने के बाद इसमें हम कर लेंगे मिक्स, ये देखिए इस तरह से मैं मिक्स कर लेंगे, और ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट और यम्मी हो जाएगा। तो ये देखिए गाइस, इस तरह से हम मिक्स करेंगे, तो सारे के सारे मिक्स हो गए हैं। ये देखिए गाइस, कुछ ऑयल लेते हुए हम इस पर लगा लेंगे अच्छे से, जिससे कि थोड़ा सा और स्मूथली हो जाए बैटर, गांठे आलू की नहीं रहनी चाहिए। तो ये देखिए स्मूथली बन गया है बैटर। तो ये हमने ले लिया कुछ बेसन, तो इसको भी हम एक इसकी स्लरी तैयार करेंगे, यानी घोल तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका घोल बना लेंगे, एकदम से पानी नहीं डालेंगे वरना गांठे पड़ जाएंगी। तो इससे मिक्सर से हम या स्पून से बना लेंगे घोलते हुए स्लरी। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बनानी है, इस तरह से बनानी है कि हमारे जो कटलेट बना करके रखें वो कोड हो जाए इस पर से। तो ये देखिए इस तरह से बन गई है हमारी स्लरी। तो इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, हल्दी मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर कलर के लिए, और ऐड करेंगे हम इसमें हींग 2 से 3 पिंच, और ये रहा गरम मसाला, चाट मसाला, नमक टेस्ट के हिसाब से। ये सारे मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे किसी को तीखा पसंद है या किसी को गरम मसाला ज़्यादा पसंद है, तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं कम या ज़्यादा। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हम मिक्सर से फेंट लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए फेंट चुका है अच्छे से, और बहुत गाढ़ा भी नहीं है, बहुत पतला भी नहीं है। चलिए हम देखते हैं, ये हमने ले लिया है ब्रेड क्रम, फ़िलहाल हम इसमें ब्रेड क्रम नहीं यूज़ करेंगे, मगर आप चाहें तो ब्रेड जहाँ पर हम चावल का आटा लगाते हैं वहाँ पर आप ब्रेड क्रम भी लगा सकते हैं। तो देखिए बैटर को हमने ऐसे कर लिया है कि ऐसे स्पून में ले रहे हैं ना, तो हमारे स्पून में कोड हो रहा है पतली सी लेयर, बस इतना ही बैटर हमें चाहिए। तो देखिए हम अपने आटे को भी देख लेते हैं। तो इस तरह से हमने हाथों को किया ग्रीस ऑयल से, और इनको हम करेंगे पहले गोल गोल, फिर इनको हम कर देंगे ऐसे लंबा, यानी हम सिलेंडर आकार देंगे इसका। ये देखिए इस तरह से करते हुए कर देंगे, और इसी तरह से हम सारे के सारे बना करके रख लेंगे। इस तरह से देखिए बना करके रख लेंगे। ये देखिए सारे के सारे बन चुके हैं अच्छे से। तो क्या करना है अब आगे देखिए, इस तरह से हमने अपना जो बैटर लिया हुआ है बेसन का बना करके रखा है, उसमें मेक एक करके डालते जाएंगे, इस तरह से इसको टिप करते जाएंगे, और स्पून की सहायता से या फॉक की सहायता से जो हमने ले लिया है कटोरी में आटा चावल का, इससे भी क्रिस्पी बनेगा। तो इसको हम ऐसे ऊपर से लगा देंगे। अगर आप चावल का आटा नहीं लगाना चाहते, थोड़ा सा और लुक अच्छा करना चाहते हैं,
तो आप लगा सकते हैं ब्रेड क्रम, हमने चावल के आटा को लगाया हुआ है। तो ये देखिए इस तरह से बना के हम रखते जाएंगे लपेट लपेट कर। तो ये देखिए सारे के सारे हमारे कोड होकर के रख चुके हैं। तो चलिए इनको करते हैं फ्राई। तो फ्लेम पर हमने पहले ही अपना रख दिया था ऑयल को। तो ये देखिए इस तरह से हम डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे, मगर हम इसे अभी टच नहीं करेंगे कम से कम एक मिनट के लिए, क्योंकि अगर हम अभी से टच कर देंगे ना तो इसकी ऊपरी परत नहीं बन पाएगी और ये चम्मच से, स्पून से या फिर करछी से जिससे भी आप पलटेंगे तो उसे टूट सकता है, क्योंकि चावल के आटे का और आलू का होता है इस वजह से। तो एक मिनट बाद देखिए स्टर कर देंगे इस तरह से और अच्छे से क्रिस्पी सेक लेंगे, बढ़िया रेड रेड कलर का करके अच्छे से सेक देंगे। तो तकरीबन इसमें 5 मिनट लगता है एक बैच सिकने में। तो देखिए ये सिक चुका है, कितना अच्छा लग रहा है सिकने में। एक बात और गाइस, अभी तो ये फ्राइंग का हम बता रहे हैं रेसिपी आपको, आगे हम ऐसे कुछ कुकिंग की रेसिपी लेके आएंगे जिसको आपको कुक भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसानी से रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए क्योंकि इसमें भयंकर गर्मी है तो किचन में खड़े होने का मन नहीं करता, इस वजह से ऐसी रेसिपी हम लाने वाले हैं। तो देखिएगा, तो ये देखिए गाइस हमारे बन करके तैयार हैं, कितने यम्मी और कितने टेस्टी हैं। तोड़कर भी हम दिखा रहे हैं कि कितना सॉफ्ट है हमारा, ये देख सकते हैं इस तरह से कितना यम्मी है। अगर इसमें आप चीज़ वगैरह डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।